जी हम यूसुफ कोट पहुंच चुके हैं और हमने कोई फ़ोन पे बुकिंग करवाई थी टिकटों की, 8 टिकटों की। तो बाकी का भाई वो पूछने गए हैं टिकटों का फाइनल करने, तो ये सामने खड़ी है। उसमें और भी बसें खड़ी हुई हैं लेकिन एक गवादर जाती है और खुसूसन अल मुमताज की कोच कोई वो कोई रमजान बॉर्डर की तरफ जाती है, तो हमने उसमें टिकट बुक करवाई है। तो ये यहाँ से 2 किस्म के बसें जाती हैं और तो ये यहाँ पे बहुत ही अल मुमताज वाले मशहूर हैं और मैं लास्ट में नंबर भी शेयर कर दूंगा, तो आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। टिकटें बुक करवानी होगी तो आप कॉल करके उनसे कंफर्म करवा लें, फिर यहाँ पे आएंगे तो वो आपको उनसे पैसे देके बाकी का कंफर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ सीन ऐसे है, तो जो भी टिकट बुक करवाए तो मैं अल मुमताज वालों का नंबर दे दूंगा, तो वहाँ से आप बुक करवा सकते हैं। और ये हमारी ये भी अल मुमताज वालों की है, जिसमें इसमें मिलती है उसमें जिसमें मिली फिर मैं आपको बताऊँ। तो मेरे ख्याल से भाई कह रहे हैं इसमें नहीं है, तो इसमें ये वाली हमारी पास कोई अभी कन्फर्म हुई है, ये है तो दोनों ही मुमताज वालों की। तो ये सामने लिखा हुआ है अल मुमताज, ये बस है भाई कह रहा है कन्फर्म ही है इसमें टिकट है। तो ये हम अभी इसमें सामान लोड करेंगे फिर आगे जाएंगे। ये टिकट भाई लेके आए हैं कोई, ये 8 सीटों की एक ही टिकट बनाई हुई है इन्होंने। तो यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ है इसमें टिकट में पीली बस है, वैसे भी हमें पीली बस मिल गई है, ये तो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन हो गया। जैसी इन्होंने टिकट में बस डाली हुई है वैसी ही हमारे को मिल गई है। तो इससे ये सीन कुछ ऐसे है, बाकी आपको आगे भी आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, तो आगे भी आपको दिखाएंगे। लोगों ने अपना सामान लोड किया है सारी बस में, तो हमारे बैग ये अंदर की तरफ ये पीछे रखेंगे, कोई सीट नहीं होती वहाँ पे रखेंगे। बाकी इन्होंने अपना सामान लोड किया है सारी बस में नीचे, तो ये किसी का भी अभी बैग नहीं रख रहे हैं। सारे बैग ये देखें, ये सारे बैग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये पिछली कोई सीट है इनकी वहाँ पे सारे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसे है, बस में बैठ चुके हैं, ये बेहतरीन बस है, ये लाइटिंग देखें आप, और ये न्यू क्लास की बस है इनकी। तो यहाँ पे कोई नहीं है अभी, तो यहाँ पे हमारे बंदे कुछ बैठ गए हैं, तो यहाँ बैठे हैं कुछ सामान भी लोड कर रहे हैं किसी में से कोई। तो ये बिल्कुल न्यू किस्म की बस है, तो ये हम फ्रंट में आ गए, सर भाई अभी खड़े हुए हैं। तो ये कुछ सामान अपने रख दिया है इन्होंने, बाकी क्या सीन ये चलेगी तो फिर आपको दिखाएंगे। बिल्कुल न्यू किस्म की बस है, ये सिस्टम आप देखें इनके, ये देखें यहाँ पे स्क्रीन है कोई लगी हुई, बाकी का सीन ये है कोई ब्लू लाइटिंग, बहुत ही मज़ा है यहाँ पे कलर कंट्रास्ट की। ये कुछ अभी खाली है, लोग बैठेंगे इतने नहीं हुए थे, ये हमारे बैठे हुए बंदे कुछ, ये कासिम भाई, ये कोई हसनैन भाई और आरिफ भाई बैठे हुए हैं, ये अबू बैठे हुए हैं और अब्बास भाई। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो डोम हमने वेन करवाई थी खैरपुर से, तो वो कोई हमें कोई 23,000 में पड़ी थी, और हैदराबाद में हमने KFC खाई थी तो वो हमें कोई 4,180 रुपये की वो KFC पड़ी थी। और अल यूसुफ गोट हम पहुँचे हुए थे यहाँ पे, तो हमने टिकट और कॉल पे बुक करवाई थी, तो अभी हमने ले लिए कोई 20,000 की हमने टिकट है यहाँ पे से ले लिए, तो टोटल मिला के कोई 47,180 रुपये अभी तक खर्चा हुआ है। बाकी जो आगे भी खर्चा होता रहेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। ये हम निकल चुके हैं और ये कोई शाम का टाइम है, अभी कुछ 6:30 हो रहे हैं शाम के, तो बस अभी चल रही है, तो ये अभी स्टार्ट हो गई है चलना। बाकी का जो रात में हम डिनर करेंगे वो आपको दिखाएंगे, जो जो नई नई चीज़ें आती जाएंगी वो भी दिखाएंगे। तो बस हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहें आप और देखते रहें। कराची से निकले हुए थे यूसुफ गोट से, तो अभी हम उरमाड़ा पहुँचे हुए हैं, तो टोटल रास्ता जो बनता है 690 किलोमीटर का है, तो ये कोई 8 घंटे का ये सफ़र है टोटल। तो अभी हम रुके हुए हैं नमाज़ पे, नमाज़ पढ़ेंगे, थोड़ा सा बस लेट हो गई है वैसे,
तो अभी एक बज रहा है तो रोटी का टाइम तो चला गया, तो अभी नमाज हमने कहा पढ़ लेते हैं। बाकी जो हमने चाय मंगवाई थी तो वो कुछ पी रहे हैं अभी, तो रमजान बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे पहले से कुछ बसेस यहाँ पे खड़ी हुई हैं, तो ये इनका हॉल बना हुआ है जहाँ पे वेटिंग रूम होता है। तो ये कुछ सीने से इनका पंपलेट भी लगा हुआ है ऊपर से। ये कुछ हमारे बंदे उतर रहे हैं नीचे, ये कासिम भाई जा रहे हैं, ये अशमत भाई उतर चुके हैं। बाकी हमें सामान पीछे से उतरना है, हमारा पीछे पड़ा हुआ है लास्ट में, तो उसका वेट कर रहे हैं सामान उतरे। बाकी तो आपको बताएंगे, अभी हम नमाज की तैयारी कर रही है फजर की, वो पढ़नी है हमें। बाकी तो हमने फजर नमाज भी पढ़नी है, वो भी हम पढ़ेंगे अभी। तो बॉर्डर भी कोई 9 बजे खुलता है, नाश्ता भी करेंगे यहाँ पे, वो भी आपको दिखाएंगे। और ईरान जाके पढ़ के फ्रेश होके सारे लोग अभी कोई ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। तो ये ब्रेकफास्ट का सामने ही ये होटल है, तो वहाँ पे चलेंगे, उनसे कुछ मेन्यू पूछेंगे। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं उसका मेन्यू भी, और बाकी जो ऑर्डर करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। जा रहे हैं, ये कोई यहाँ पे भी LPG पे ये रोटी पक रही है, गैस नहीं है, यहाँ पे बॉर्डर है ना। तो ये भी सारे इन्होंने होटल्स बनाए हुए हैं, और ये मस्जिद है, तो कुछ वहाँ पे वाशरूम्स बने हुए हैं जहाँ पे इतनी रश है पीछे। सो ये कुछ अभी यहाँ पे पहुँचे हुए होटल पे, तो ये कुछ पूछेंगे अभी मेन्यू में क्या क्या है। तो आइए देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है, फिर ऑर्डर करेंगे, फिर हमें मिलेगी रोटी, तो वो भी आपको दिखाएंगे। पड़े यहाँ पे झालियाँ पड़ी हुई हैं, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ कुछ फ्रूट पड़ा हुआ है, 3-4 यहाँ से कुछ टोकन लेंगे पहले, फिर रोटी का ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ अंडे मंगवाए हुए हैं और कुछ चने हैं। एक्सचेंज क्या रेट दे रहे हैं? 1,45,000 एक। यहाँ पे 1,45,000 ये भाई दे रहे हैं, ये भी अभी कोई 7:50 मिनट हुए हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें ईरानी और पाकिस्तानी दोनों पड़ी हुई है, यहाँ से सूरज भी निकल चुका है। तो ये कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये टैक्सीज हैं, तो यहाँ से आप पकड़ के कराची भी जा सकते हैं। तो ये कुछ सीने से ये होटल पर पहुँचे हुए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ईरानी है, कुछ पाकिस्तानी चीज़ें भी हैं। तो वहाँ पे जेंट्स का बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ लेडीज़ का है। तो यहाँ पे कुछ जगह कम थी, हमने बैग भी यहाँ पे रखे हुए हैं सारे। तो ये कुछ हमारे बंदे बैठ चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम बैठे हैं, बाकी ऑर्डर करेंगे, देखते हैं क्या होता है। चाय भी आ चुकी है, देखिए आप, ये बिल्कुल ही डिलीशियस बनी हुई है, चाय खाएंगे बाबा गरम गरम। तो ये कुछ चने आ गए हैं, ये कुछ पानी खाओ, ये कुछ पराठे आ गए हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसको बिस्मिल्लाह कर खाएंगे।